सब्सक्राइब कीजिए वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल को, और सामने वाले घंटी के बटन को भी दबाइए, और ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है क्लास 9 सीबीएसई मैथ चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। The heap is to covered by canvas to protect it from rain. Find the area of canvas required. एक गेहूं का एक ढेर है और किसकी फॉर्म में है, वो एक कोन की है, शंकु की आकार में एक गेहूं का ढेर है जिसका डायमीटर जो है 10.5 मीटर है और हाइट उसकी जो है गेहूं के ढेर की वो है 3 मीटर। तो उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। दूसरा, हीप जो है ढेर को कैनवास से ढका गया है बरसात से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। तो उसका एरिया निकालना है कैनवास का कि कितना कैनवास मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से चाहिए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, डायमीटर दिया है डी। डी है 10.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी डी बाई ट्यू इजिकल टू हो जाएगा 10.5 मीटर डिवाइडेड बाई टू, और ये बराबर हो जाएगा 5.25 मीटर। ठीक है, और हाइट एच भी दिया हुआ है, एच इजिकल टू दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो ये एक हीप बना लेते हैं। ये एक हीप बना लिया गेहूं का, वीट का एक हीप है जिसकी फॉर्म क्या है, कॉनिकल फॉर्म है, शंक्वाकार फॉर्म है। ठीक है, ये एक शंक्वाकार फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया, तो ये इसकी हाइट होगी, ये इसकी हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इसका बेस क्या है, ये ओ पॉइंट है, और यहाँ से लेकर सपोज अगर इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको मान लिया, तो बी सी क्या है, डायमीटर हो गया, और ए ओ हो गया हाइट, और ए सी हो गया स्लांट हाइट, और ओ सी हो गया आर रेडियस। ठीक है, और या फिर ओ बी, ये भी रेडियस है। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो बेस में क्या है, सर्कल है, और ये सर्कल का सेंटर है ओ, और ओ सी रेडियस होगी सर्कल की। ठीक, तो अभी सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हमको एल नहीं दिया हुआ, तो हम इसमें ये क्या है, एक रेक्ट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर यानी ओ सी का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस हाइट परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख देंगे हम, आर कितना, हमको आर है 5.25 मीटर का स्क्वायर प्लस एच कितना है 3, तो 3 मीटर का स्क्वायर। राइट, अब जब 5.25 का हम निकाल लेंगे क्या स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ गया 27.5625 मीटर स्क्वायर प्लस 9 मीटर स्क्वायर, दोनों को जोड़ लिया, ये हो गया 36.5625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और तो एल कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, ये हो गया 36.5625, और ये यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। राइट, तो इसका अगर हम रूट निकालेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 6.3
0.046 मीटर, 3 डेसिमल के 3 प्लेस तक, और इसको हम लिख सकते हैं 6.05 मीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अब हमने निकालना है वॉल्यूम, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर कितना है 5.25 मीटर इंटू 5.25 मीटर इंटू एच 3 मीटर डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कट गया और 7 से कट जाएगा 7 × 7 = 49 पॉइंट और 7 × 5 = 35, ठीक है, ये कट गया तो आ गया 22 × 0.75 इंटू 5.25, और ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16.5 × 5.25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से 16.5 आ जाएगा मीटर क्यूब, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम। अब निकालना है कि उसको हीप को ढकने के लिए कितना कैनवास चाहिए, उसका एरिया, तो कार्ड सरफेस एरिया सी एस से निकालेंगे, ये हो जाएगा पाई आर एल, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 5.25 मीटर, और एल, एल कितना आया हमारा 6.05 मीटर निकला था हमने, काट देंगे इसको 7.749 × 7 = 35, 0.75 टाइम्स, ठीक है, इसकी 22 × 0.75 × 6.05, ये भी मीटर, ये भी मीटर, और मीटर स्क्वायर, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16.5 × 6.05, और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 99.825 मीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेट आ गया आपका, इतना आपको कर चाहिए कैनवास उस हीप को ढकने के लिए। अप्रोक्सीमेट इसलिए क्योंकि हमारी जो स्लैंट हाइट थी वो अप्रोक्सीमेट है, मतलब बिल्कुल करेक्ट नहीं है, थोड़ा डेसिमल के कुछ प्लेस में कुछ कम है, इसलिए ये अप्रोक्सीमेट आया है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा राइट मी कमेंट्स, वो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू। रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।